अयोध्या के राम की पैड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया और भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या में यह पहली दिवाली मनाई गई। अयोध्या का ऐसा कोई घाट नहीं, कोई कोना नहीं जहां दीपोत्सव की रोशनी नहीं थी। चारों दिशाओं में रामनगरी अयोध्या की दीपावली की धूम दिखाई दी। सरयू घाट पर लाखों दिए टिमटिमाते नजर आए। रिकॉर्ड बुक से अलग ये दिए हर साल अयोध्या में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। इस बार भी यही हुआ। पिछले साल 21 लाख दिए जलाए गए थे, इस बार 25 लाख दियों की व्यवस्था की गई। दावा किया गया कि ये दिए 55 घाट पर जलते रहे। ये दिवाली ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनके मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। इसे लेकर नवनिर्मित रामलला के मंदिर में खास रंगोली बनाई गई जिसमें फूलों का इस्तेमाल हुआ। तोरण द्वार भी बनाए गए। दीपोत्सव कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या को 14 जोन और 40 सेक्टर में बांटा गया। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। अयोध्या में दिव्य दीपावली मनाने खुद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, डबल इंजन की सरकार जो कहती है वो करती है। अयोध्या में दीपोत्सव में शामिल होने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचे। त्रेता में जिस तरह राम जी अयोध्या लौटे थे उसी दृश्य को एक बार फिर चरितार्थ किया गया। इसके बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हुए जिसे खुद योगी आदित्यनाथ ने खींचा। अयोध्या की सड़कों पर झांकियां निकली, लोगों ने फूल बरसाए, राम कथा पार्क में प्रभु राम का तिलक हुआ, विधि विधान से पूजा की गई और फिर योगी ने अयोध्या की ऐतिहासिक दीपावली पर वो बात कही जिसकी गूंज मथुरा काशी में सुनाई दी। 2047 में जब देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाए, जैसे अयोध्या है ऐसे ही काशी में भी दिखना चाहिए, ऐसे ही मथुरा में भी दिखना चाहिए। योगी ने कहा कि विरासत और विकास का प्रयास प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर शुरू हुआ है और ये यूपी में रुकेगा नहीं। देश के साथ साथ विदेशों में भी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में पहली बार दिवाली की छुट्टी का ऐलान। ये तस्वीरें अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग की हैं, जो दिवाली के मौके पर रोशनी से जगमगा उठी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बाकायदा दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। अमेरिका में चुनाव के बीच त्योहार की धूम ऐसी है कि न्यूयॉर्क में पहली बार स्कूल में दिवाली की छुट्टी का ऐलान किया गया। दुबई भी रोशनी का त्योहार दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें प्रमुख स्थानों पर भव्य समारोहों की योजना बनाई गई। लोक कलाकारों के साथ रंगोली और साज सज्जा के सामान दुबई के बाजार की रौनक बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भी भारतवंशियों ने दिवाली के त्योहार पर रंगारंग कार्यक्रम किया। दिवाली गाला 2024 इन सिडनी नाम के कार्यक्रम की थीम वसुधैव कुटुंबकम रही। दिवाली पर भारत में अमेरिका के राजदूत का अलग ही स्वैग दिखा। भारतीय परिधान में बॉलीवुड के गानों पर थिरकते दिखाई दिए। दुनिया हिंदुस्तान के साथ है लेकिन कनाडा अलग ट्रैक पर है। कनाडा के विपक्षी नेता ने दिवाली कार्यक्रम रद्द किया, आयोजकों ने माफी की मांग की। लाहौर में दीपावली पर हिंदू संगठनों के कार्यक्रम में शामिल हुई मरियम नवाज। कहा, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से शर्म से झुक जाता है सिर। लाहौर में दीपावली के मौके पर हुए कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को बुरा वक्त देखना पड़ा है। माजी करीब में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं हमारी माइनॉरिटीज के साथ जिससे मेरा सर शर्म से छुप जाता है। स्मॉग के मुद्दे पर भी मरियम नवाज ने भारत के साथ सहयोग की पेशकश की। इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। चंद दिन पहले ही मरियम के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सूबे के सिख और हिंदू परिवारों को गुरु नानक जयंती और दिवाली मनाने के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था। दिवाली से पहले एक्ट्रेस सारा अली खान केदारनाथ मंदिर पहुंची, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना।
सारा अली खान ने केदारनाथ में बाबा भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने अपनी इस यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कई फोटोज शेयर किए। कहीं वो नंदी बैल के आगे नतमस्तक होती दिखी तो कहीं बर्फीली खूबसूरत वादियों में पोज देती नजर आई। एक फोटो में तो मुंह ढककर शॉपिंग करती भी दिखाई दे रही है। सारा ने सोशल मीडिया पर लिखा, मंदाकिनी का बहना, आरती की आवाज, एक दूधिया सागर, बादलों के पार, अगली बार तक जय भोलेनाथ। सारा अली खान इससे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंची थी, तब भी उनकी मंदिर यात्रा सुर्खियों में रही। त्योहार के मौके पर देश में गोल्ड का गदर, आरबीआई ने कहा कि ब्रिटेन से 102 टन सोना वापस आया। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब धनतेरस के मौके पर देश में जमकर खरीदारी हुई। ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के मुताबिक धनतेरस पर 20,000 करोड़ के गोल्ड की बिक्री हुई। इसके अलावा 2500 करोड़ की चांदी भी लोगों ने खरीदी है। जहां तक खुदरा व्यापार की बात है तो धनतेरस पर देश में 60,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया गया। इससे पहले रिजर्व बैंक ने बताया कि सितंबर के अंत में आरबीआई के पास मौजूद 855 टन सोने में से 510.5 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इससे पहले 31 मई को बताया गया था कि ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत वापस लाया गया है। 90 के दशक में देश की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और उसे सोना गिरवी रखना पड़ा था। मुंबई के मिंट रोड के साथ साथ नागपुर के पुराने आरबीआई कार्यालय में सोना रखा जाता था। भारत और चीन के बीच एलएसी वाले समझौते का ब्लूप्रिंट दिवाली से लागू होगा। दिवाली से दोनों ही देशों की सेनाएं अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग करेंगी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। लोकल मिलिट्री कमांडर्स की देपसांग और देमचौक में मीटिंग की बात सामने आई। पता ये भी चला कि देमचौक में डिसएंगेजमेंट का एरियल वेरिफिकेशन मंगलवार को पूरा हो गया, लेकिन खराब मौसम की वजह से देपसांग में ये प्रक्रिया बुधवार को पूरी की गई। टेंट के साथ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स दोनों जगह से हटा दिए गए हैं। 31 अक्टूबर से 4 साल पहले की तरह ही पेट्रोलिंग होगी। यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। पड़ोसियों के साथ हम बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, यह भारत की यह स्पष्ट नीति है। गलवान के अलावा गोगरा और पैंगोंग सो में पहले ही डिसएंगेजमेंट के बाद पेट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। देपसांग और देमचौक में ज्वाइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी। दिवाली पर पटाखा बैन पर बाबा बागेश्वर ने उठाए सवाल, कहा हिंदू त्योहारों पर ही क्यों दिया जाता है ज्ञान। दिवाली पर प्रदूषण का हवाला देकर पटाखे बैन करने वाली थ्योरी पर बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि आखिर दिवाली पर ही पटाखों पर रोक क्यों। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान गायब हो जाता है। न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है होली आती है तो पानी खराब होता है। बाबा बागेश्वर ने सवाल उठाया कि जब 1 जनवरी और दूसरे मौकों पर पटाखे फोड़े जाते हैं तब इसका विरोध क्यों नहीं होता। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र में फिर बनेगी महायुति की सरकार, महाविकास आघाड़ी का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। एबीपी न्यूज के सियासी मंच पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार लौटेगी। फडणवीस ने भरोसा जताया कि बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी। लोकसभा के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां बदली है, उनका फेक नैरेटिव अब नहीं चल रहा है। मुझे विश्वास है कि हम लोग सेंचुरी पार कर पाएंगे। महायुति में खिस्तान और नवाब मलिक पर चल रही बयानबाजी पर फडणवीस ने खुलकर अपना पक्ष रखा। हमने बहुत साफ शब्दों में राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये कहा था, नवाब मलिक इनको आप टिकट मत दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस कहती कुछ है करती कुछ और। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बोले अजीत पवार, नवाब मलिक पर निकालेंगे रास्ता और लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करना गलती थी। नवाब मलिक पर महायुति में चल रही बयानबाजी पर एबीपी के शिखर सम्मेलन में अजीत पवार ने अपना पक्ष रखा। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा, ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। अजीत पवार ने कहा कि एनसीपी की लड़ाई असली नकली की नहीं है। उन्होंने योगेंद्र पवार को बारामती से उम्मीदवार बनाए जाने पर शरद पवार पर भी निशाना साधा। हर एक को अधिकार रहता है खड़ा होना या नहीं होना। कैंडिडेट मेरे खिलाफ अच्छा लड़ेगा तो उन्होंने खड़ा किया है। नहीं, आपने जब सुनेत्रा को सुप्रिया के सामने खड़ा किया वो मेरी गलती थी। सीएम के मुद्दे पे अजीत पवार ने खुलकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद सीएम पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आदित्य ठाकरे का बड़ा ऐलान,
कहा, उद्धव ठाकरे ही सीएम पद के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के बीच एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आदित्य ठाकरे भी पहुंचे। आदित्य ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की, शिंदे को आड़े हाथों लिया, धारावी के रेनोवेशन का मुद्दा उठाया, कहा असली नकली नहीं, महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई है। लेकिन फिर बात महाविकास आघाड़ी के सीएम उम्मीदवार की आ गई। हमारे सारे जो सर्वेस है जो राज्य के हित के बारे में कहता है, सेल्फलेस है, तो उद्धव बाड़ेसर ठाकरे, ये तो सारे सर्विस में आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को घेरा, कहा हमारा हिंदुत्व लोगों के घर का चूल्हा जलाता है, उनका हिंदुत्व लोगों के घर जलाता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्रचार प्लान, पीएम मोदी अमित शाह समेत सभी दिग्गज मैदान में उतरेंगे। पीएम मोदी अमित शाह योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज महाराष्ट्र के रण में उतरेंगे। पीएम मोदी पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मुंबई, कोंकण, उत्तरी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में रैली करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में पीएम 8 सभा, अमित शाह 20, नितिन गडकरी 40, देवेंद्र फडणवीस 50 और योगी आदित्यनाथ 15 जनसभाएं संबोधित करेंगे। 5 नवंबर के बाद पीएम मोदी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होगा। 6 नवंबर को मुंबई में होगी महाविकास आघाड़ी की संयुक्त रैली। 5 गारंटियों का ऐलान कर राहुल गांधी करेंगे प्रचार का आगाज। 6 नवंबर को नागपुर में संविधान बचाओ आंदोलन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। उसके बाद मुंबई के बीकेसी में बड़ी रैली होगी। रैली में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार समेत गठबंधन के दिग्गज नेता शामिल होंगे। रैली में एमवीए गठबंधन अपने घोषणा पत्र को गारंटी के तौर पर जारी करेगा। रैली से पहले महाआघाड़ी के नेता बागियों को मनाने की रणनीति में जुटे हैं। चुनाव प्रचार से पहले एमवीए के नेता उन सीटों पर विवाद सुलझाने में लगे हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट की आशंका जताई जा रही है। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से ठगी के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई। ये कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। समिति को अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी इस समिति के प्रमुख होंगे। समिति की निगरानी गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा सचिव करेंगे। गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस से संपर्क कर उन्हें समिति के बारे में जानकारी दी है। देश भर में इस साल अब तक डिजिटल अरेस्ट के 6000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। गृह मंत्रालय के साइबर विंग ने साइबर अरेस्ट में शामिल अब तक 6,00,000 मोबाइल नंबर ब्लॉक किए हैं, जबकि 706 मोबाइल एप्लीकेशन को ब्लॉक किया गया है। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली सरकार और बीजेपी में तकरार। अरविंद केजरीवाल ने कहा आयुष्मान भारत स्कीम में घोटाला। पीएम मोदी ने दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम लागू नहीं होने को लेकर राज्य सरकारों पर निशाना साधा था। आज केजरीवाल ने पीएम मोदी को इसका जवाब दिया। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5,00,000 रुपए तक का इलाज होगा। आपको 50,00,000 रुपए या 1,00,00,000 रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। हमारा कोई 5,00,000 रुपए तक की लिमिट नहीं है। केजरीवाल के आरोपों का जवाब बीजेपी ने भी आरोप के जरिए दिया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। एक दशक से एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने खोला नहीं। मोहल्ला क्लिनिक में आधे से ज्यादा पे तो ताला लगा हुआ है। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अस्पतालों में फ्री इलाज देने की सुविधा का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल और दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं किए जाने पर दुख जताया था। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा के गुजरन इलाके में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक की रैली में हंगामा, कई लोग घायल, बीजेपी नेताओं पर हमले का आरोप। गुजरन में गुरेज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नजीर अहमद खान रैली कर रहे थे, तभी लाठी डंडों से लैस लोगों ने अटैक कर दिया। इस हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, 3 घायलों को श्रीनगर रेफर किया गया है। विधायक गुरेज नजीर अहमद खान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेता फकीर मोहम्मद खान के रिश्तेदारों पर हमले का आरोप लगाया है। विधायक का आरोप है कि चुनाव में हार के बाद बौखलाए बीजेपी नेताओं ने उनके समर्थकों को निशाना बनाया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
गाजियाबाद कोर्ट में हुए हंगामे की जांच के लिए यूपी बार काउंसिल ने बनाई कमेटी, कहा वकीलों पर लाठीचार्ज गलत। गाजियाबाद कोर्ट में हुए हंगामे के बाद वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की जांच के लिए यूपी बार काउंसिल ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी गाजियाबाद जाकर वकीलों से मुलाकात करेगी और घटना से जुड़ी जानकारी लेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट बार काउंसिल को सौंपेगी। बार काउंसिल ने कहा कि जिला जज ने हाई कोर्ट को सूचित किए बगैर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स बुलाकर वकीलों पर लाठीचार्ज कराया है, ये गलत है। इस हंगामे में वकील नाहर सिंह समेत 50 से 60 वकीलों और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। लाठीचार्ज के खिलाफ वकील भी मोर्चा खोले हुए हैं। वकीलों का कहना है कि जब तक डिस्ट्रिक्ट जज और लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों का तबादला नहीं होता, तब तक वो कोर्ट का काम ठप रखेंगे। सिंधुदुर्ग के देवगढ़ में आपसी विवाद के बाद बीच समंदर नावे की हत्या, खलासी ने लगाई नाव में आग। आपसी झगड़े में बीच समंदर खड़ी नाव धू धू कर जल गई। रत्नागिरी के राजीव वाड़ा के नुमान रफीक फनसोकर की नाव गहरे समंदर में मछली मारने गई थी। बीच समंदर नाविक रविंद्र नाटेकर और सहायक जयप्रकाश विश्वकर्मा के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े से नाराज जयप्रकाश ने समंदर में ही नाविक रविंद्र की हत्या कर दी। रविंद्र के मर्डर के बाद जयप्रकाश ने नाव में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरी नाव आग की लपटों का शिकार हो गई। धुएं के गुबार से आसमान भर गया। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस ने जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे में करीब 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी, 2 करोड़ की डिमांड, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। इस बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज भेजकर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की डिमांड की है, कहा है अगर पैसे नहीं मिले तो सलमान को जान से मार देंगे। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी को बांद्रा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच लॉरेंस गैंग से मिली धमकी पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता। मेरे धमकी से क्या, हमको तो बच्चे से धमकी मिलता रहता है और मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं हूँ और ना जानना पसंद करता हूँ। कोई आएगा मार देगा, मर जाएंगे तो मार दो आकर के। पप्पू यादव के बयान पर JDU नेताओं ने तंज कसा है। पप्पू यादव इतना डरपोक हो सकते हैं ये हमको पता नहीं था। अगर कहते हैं बाहुबली है तो बाहुबली तरह रहिए, सुरक्षा मांगने क्या जरूरत है। तो तरफा बात नहीं चलेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको सुरक्षा चाहिए, इसका मतलब डरे हुए हैं। पप्पू यादव की शिकायत है कि उनकी सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। IPL 2025 रिटेंशन लिस्ट आने से पहले RCB की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। खबर ये आ रही है कि अगले सीजन विराट कोहली एक बार फिर RCB की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट कोहली ने फ्रेंचाइजी के सामने अपनी दिल की बात रखी है। उन्होंने IPL 2025 में RCB की कप्तानी करने की इच्छा जाहिर की है। रिपोर्ट के मुताबिक कोहली ने कहा है कि अगर टीम में कोई नया कप्तान नहीं मिलता है तो वो एक सीजन में कप्तानी करने के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट की माने तो RCB अपने कप्तान फैफ डुप्लेसी को रिटेन नहीं करेगी। BCCI ने सभी टीमों को 31 अक्टूबर तक रिटेंशन की डेडलाइन दी है। विराट कोहली साल 2013 से लेकर 2021 तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रह चुके हैं, लेकिन अभी तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL की ट्रॉफी नहीं जीती है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से पहले ही करोड़ों लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सर्वे में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वैसे तो अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, लेकिन वहां ऐसी व्यवस्था है कि लोग इससे पहले भी वोट दे सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 29 अक्टूबर तक 5 करोड़ 34 लाख लोग वोट दे चुके हैं। इसमें बैलेट पेपर के जरिए 2 करोड़ 57 लाख जबकि खुद से मतदान केंद्र में जाकर 2 करोड़ 77 लाख लोगों ने वोट डाला है। मतदान से पहले वोटिंग वाला सिस्टम अमेरिका के 47 राज्यों के साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में एक्टिव है। हालांकि कुछ जगहों पर बैलेट पेपर जलाए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। साल 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से पहले लगभग 10 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। स्पेन में अचानक आई बाढ़ से मचा हाहाकार। स्पेन में सैलाब की डरावनी तस्वीरें कुदरत के क्रोध को बयां करने के लिए काफी हैं। एक साथ कई गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ऐसी थी जिसमें कारों का कब्रिस्तान दिखाई दिया। कई गांवों में पानी भर गया। रेल मार्ग के साथ इंटरस्टेट हाईवे पर आवाजाही भी ठप हो गई। पूर्व वैलेंसिया में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैड्रिड और वैलेंसिया के बीच हाई स्पीड रेल सेवा बाधित हो गई। वैलेंसिया प्रशासन की तरफ से बताया गया कि कुछ जगहों पर हालात इतने ज्यादा विकट हैं कि रेस्क्यू टीम का पहुंचना करीब करीब नामुमकिन हो गया।
बाढ़ में मारे गए लोगों के शवों को निकालने का काम जारी है। स्पेन के मौसम विभाग ने वैलेंसिया के साथ आंदालूसिया में रेड अलर्ट जारी किया है। इसराइल ने हिजबुल्ला के नए चीफ नईम कासिम को चेतावनी दी है। इसराइल ने कहा है कि हिजबुल्ला का नया कमांडर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। ये धमकी ऐसे वक्त आई है जब बेरूत में इसराइल के हवाई हमले जारी हैं और इसराइली हमले के बाद ईरान ने मिलिट्री बेस को हल्के नुकसान की बात मानी। इस बीच गाजा में ऑपरेट करने वाले हमास की तरफ सीज फायर की बात फिर से दोहराई। हमास ने अभी तक अपने नए चीफ का ऐलान नहीं किया, लेकिन उसके प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि गाजा में जंग रोकने के लिए मध्यस्थ के फॉर्मूले के लिए राजी हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही इसराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मार गिराया था। इसके बाद जबालिया में बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन भी देखा गया। हसन नसरल्ला की मौत के 32 दिन बाद मंगलवार को हिजबुल्ला ने अपना नया चीफ चुना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कासिम इस वक्त ईरान में मौजूद है। ABP News, आपको रखे आगे।